सर मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएं, बड़ा शानदार कि सर मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। अब सबसे पहली बात है कि आज थोड़ा सा मैं आपको कुछ नया बताऊंगा कि मॉक्स में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, डेली मेरे व्हाट्सएप पर यहाँ पर जो है वो फोन पे फोन, मैसेज पे मैसेज, कॉल पे कॉल आ रहे हैं, सर मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएं। समझना, सबसे पहले तो अगर आप इरेलीवेंट मॉक दे रहे हो ना, इरेलीवेंट मॉक का मतलब क्या है कि जो आपके पैटर्न पर है ही नहीं, तो उसमें तो आप कभी भी मार्क्स बढ़ा ही नहीं पाओगे, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप इरेलीवेंट मॉक दे रहे हो, अगर आप इरेलीवेंट तरीके से इरेलीवेंट जगह से पेपर दे रहे हो, आप प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ और मॉक दे रहे हो और उसमें अगर आपके 90-100 बन रहे हैं, तो आप कितना भी कोशिश कर लो नंबर नहीं बढ़ेंगे। वो नंबर आप तभी बढ़ सकते हैं जब या तो आप उस कोचिंग संस्थान से आपने कोचिंग ली होगी, या आपने उनके नोट्स को पढ़ा होगा, या आपने उनको किताबों को पढ़ा होगा, क्योंकि वो क्वेश्चन अपने मॉक से, अपने कोचिंग से, अपने शीट से सेट कर रहे हैं। कल के दिन मैं ही अगर अपने बच्चों को अपने ही शीट से क्वेश्चन देना शुरू करूं तो मेरे बच्चों का नंबर बढ़ जाएगा, लेकिन जो बाकी बच्चे मुझसे नहीं पढ़ते उनका नंबर नहीं आएगा। फिर वो इस बात से परेशान होंगे, यार फलाने मॉक में तो मेरे नंबर ही नहीं बढ़ते। तो आपको एक मॉक पर स्टिक नहीं रहना है, आपको अलग अलग कंपनीज के मॉक देकर देखना है, आपको खुद पता चल जाएगा कि हाँ ये कंपनी अच्छा है, या ऐसे मॉक में मेरे इतने बनते हैं, ऐसे वाले में इतने बनते हैं, फिर आपको लेवल का अपने अंदाजा हो जाएगा। तो कभी भी एक तरह के मॉक पर स्टिक ना रहे, ऐसे में अगर आप कितना भी सोच लेंगे नंबर बढ़ाने का तो नंबर नहीं बढ़ सकता है, इस बात का ध्यान रखिए। दूसरा पॉइंट जो आप मुझसे पूछते हैं कि सर प्रीवियस ईयर का पेपर में तो अच्छा स्कोर आ जाता है, इसको और अच्छा कैसे बनाएं? तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, प्रीवियस ईयर के पेपर में आपको स्कोर करने के लिए है ना, आपको सारे के सारे नीति पर भरोसा करना पड़ेगा। साम दाम दंड भेद पूरा नीति अपनाना पड़ेगा। बोलोगे सर साम दाम दंड भेद आप क्या बोल रहे हो, हमें क्या सिखा रहे हो, चाणक्य नीति? तो बिल्कुल, गुरु है तो चाणक्य नीति ही सिखाएंगे, करना आपको कुछ भी नहीं है। मैं बार बार आपको बोलता हूं कि आपको फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट रखना है। फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट जिस बच्चे का है ना, ठीक है, वो कभी भी कोई भी परेशानी में रहे तो आराम से उसे टैकल करके निकल सकता है। कहने का मतलब क्या है कि आप अपना ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट कर लीजिए। जैसे मेरा ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट हमेशा ये होता था कि मुझे सबसे पहले किसको खत्म करना है, इंग्लिश को, फिर मुझे उसके बाद खत्म करना है जीएस को, फिर मुझे खत्म करना है रीजनिंग को, फिर मुझे खत्म करना है मैथ को, ठीक है। जो बच्चे को इंग्लिश थोड़ा कम प्यार मोहब्बत है, जीएस में कम प्यार मोहब्बत है, वो उल्टा भी आ सकता है, पहले मैथ फिर रीजनिंग फिर जीएस फिर इंग्लिश। मतलब ये ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट आपके प्रैक्टिस के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। जिन रास्तों से अक्सर हम चले होते हैं ना, उनमें हम बाइक थोड़ी तेज भी चला ले तो हमें कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि हमें पता होता है ब्रेकर कहां पर है, हमें पता होता है कि यहां मोड़ कहां पर है, तो हमें उसमें ड्राइव करना बहुत आसान होता है। सेम तरीके से जिस तरीके से या जो पैटर्न से हम बार बार चले होते हैं ना, तो हम अपने गियर को शिफ्ट कर सकते हैं, बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो ये छोटी सी बात को ध्यान रखेंगे। फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट के बाद आपको क्या करना है, आपको कोशिश करनी है पूरा का पूरा 100 तक पहुंचना है, किसी भी हाल में 100 तक पहुंचना है। मैं ये बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि यहां से क्या होगा ना आपका मेरे भाई, आपका नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है वो बढ़ जाएगा। अक्सर आप देख रहे होंगे अभी बच्चों से आप पूछेंगे तो बोलेंगे हमने 60 अटेम्प्ट किए थे, हमने 65 अटेम्प्ट किए थे, हमने 70 अटेम्प्ट किए थे। वो उन्होंने इसीलिए किए थे क्योंकि वो सवालों में उलझते चले गए, उन्होंने सवालों के साथ दंगल कर लिया। आपको तो दंगल करना ही नहीं था, आमिर खान थोड़ी बनना था आपको वहां पे जाके, अरे तेरे को तो पटक के यहां पर जीत के दिखाएंगे। सुल्तान भी नहीं बनना था वहां पे जाके, क्यों फालतू का बने सुल्तान बताओ वहां पे? अब एक साल तक बैठ के घर में रहो, ठीक है, और अगले साल की तैयारी करो, अब सुल्तानगिरी निकलेगी यहां पे। दंगल नहीं करना था, नहीं बन रहा, नहीं बन रहा, छोड़ेंगे, दिल पे थोड़ी लेना है, ईगो थोड़ी हर्ट हो गया है, ठीक है। लड़की छोड़ के जाती है तो ईगो हर्ट हो जाता है, चलो समझ में आता है। सवाल छोड़ के चला जाएगा तो कोई ईगो ही नहीं लेना, नहीं तो क्या पता कि अगला पेपर देने के लायक भी आदमी ना बचे जिसका आखिरी अटेम्प्ट हो, ठीक है। तो 100 तक पहुंचने की जरूरत है, इससे हमारा फायदा होता है, हमारे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है, और इंक्रीज होते हैं तो उनमें क्या होता है, हमारे सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। फिक्स ऑर्डर ऑफ अटेम्प्ट रखा करो, 100 तक पहुंचने की कोशिश किया करो, और एनालिसिस मेरे भाई यहां पर जमकर किया करो। अभी जितना एनालिसिस कर सकते हो ना, उतना एनालिसिस करना मॉक में, जितना एनालिसिस कर सकते हो, जिस भी कंपनी का मॉक दे रहे हो ना, एनालिसिस जरूर करना, बार बार अपनी गलतियों को सुधारना। जैसे मानो आज मैंने कोई गलती की और कल मैं दोबारा पेपर देने गया, ठीक है, कल मेरे पेपर में वही क्वेश्चन आ गया, जैसे मानिए आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, कल आपका सेम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आ जाए, आज आपने काम ही नहीं किया, सीखने की कोशिश ही नहीं की, जद्दोजहद करने की कोशिश ही नहीं की, कल आप क्या सर्टिफिकेट कि आप आंसर देकर आ पाएंगे? फिर उस केस में आपसे बड़ा पागल, आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, इसलिए क्योंकि वो सवाल आपके नजरों के सामने था, सॉल्यूशन आपको पता था, बस मेहनत करनी थी, सीखना था, वो छोड़कर चले आए। अपनी गलतियों पर काम करना है, सुधारना, इनको सुधारेंगे तभी तो इंस्पेक्टर बनेंगे।